सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइज एक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, यानी प्राइज एक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राइज एक्शन का मतलब है कि प्राइज जो एक्शन लेता है उसे हम प्राइज एक्शन कहते हैं। मतलब हम एक सिंपल चार्ट को देखकर पता लगा सके कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हम प्राइज एक्शन ट्रेड कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। दूसरा, ट्रेंड्स का मतलब क्या है। और तीसरा, टूल्स। दो टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नाम के, उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ज़मीन पे खड़ा हो जाऊँ तो ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। मतलब जो चीज़ मुझे नीचे नहीं गिरने दे रही है उसे हम सपोर्ट कहेंगे। और अगर मैं यहाँ पे जंप करूँ तो ऊपर जो छत है उससे मैं टकराकर नीचे गिर जाऊँगा, मतलब वो मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, मतलब वो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो चलिए अब हम इसे टेक्निकल एनालिसिस में यूज करेंगे। तो अगर कोई स्टॉक्स का प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे बायर्स आए और ऊपर लेकर गए बाजार को, मार्केट को, और यहाँ पे फिर से सेलर्स आए और उसे नीचे लेकर आए, लेकिन यहाँ पे फिर से बायर्स आए और मार्केट को उस रेजिस्टेंस तक लेकर गए, 150 तक के रेजिस्टेंस तक, अब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम जब जंप किए थे तो ऊपर छत था तो वहाँ से टकराकर नीचे गिरे थे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट अफकोर्स बात है कि यहाँ से नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आएंगे। जब यहाँ पे सेलर्स आए तो मार्केट नीचे आया, लेकिन बायर्स फिर से ट्राई किए और मार्केट को ऊपर लेकर गए, लेकिन वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से फिर से सेलर्स आए और मार्केट को नीचे लेकर आए। अब क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेकर गए और इसे ब्रेकआउट करवा दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स आएंगे लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ऐसा क्यों हो गया, अब यहाँ से बायर्स आ जाएंगे, ये अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो ऐसा क्यों हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा चलकर छत पे चला जाऊँ तो क्या छत मेरे लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, नहीं ना, वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी है, जब ब्रेकआउट कर ऊपर चला जाता है तो वो उसके लिए सपोर्ट की तरह वर्क करने लगता है। अब देखिए, यहाँ से सपोर्ट लेगा और मार्केट फिर अगले रेजिस्टेंस की ओर जाएगा, ये होता है। मतलब मैं आपको, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, अगर ये जोन है और इसमें अगर मैं नीचे से जाऊँ तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और अगर मैं इस जोन पर ऊपर से आऊँ तो ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। नाउ सेकंड पॉइंट की ट्रेंड क्या होता है। तो देखिए, मार्केट हमेशा तीन तरीके से मूव करता है, एक इस प्रकार से जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, और एक इस प्रकार से जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, और एक इस प्रकार से जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो हम इन तीनों तरीकों से हम पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। तो देखिए, मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, आपको पता होगा दोस्तों। अब मार्केट कैसे ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर गया, हाई बनाएगा, यहाँ आएगा, लो बनाएगा, फिर से हाई बनाएगा, फिर से लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा। तो कुछ इस तरीका से मार्केट मूव करता है, इसे हम हायर कहेंगे, इसे हम लो कहेंगे, और इसे हम हायर हाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो ये हाई है, तो ये हायर हाई हो गया दोस्तों, और ये लो, हायर लो हो गया। देखिए, ये हाई है और ये लो है, तो ये हायर लो हो गया, और ये क्या हो गया, अफकोर्स बात है ये हायर हाई हो गया, और ये क्या हो गया, क्योंकि इसे हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हायर लो हो गया। ये देखिए, हायर लो, ये हाई है और ये लो है, तो हायर लो। तो देखिए, अब हम ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करते हैं, ये देखिए। तो देखिए, ये हो गया अप ट्रेंड, तो ये हो गया ट्रेंड। तो देखिए, यहाँ पे ये एक सपोर्ट मिला हमें, ये एक सपोर्ट मिला, तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये देखिए, तो इसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं।
हम आपको चार्ट पर बनाकर भी दिखाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे हम आपको पता है कि इसके ऊपर प्राइस जाने वाला है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कहीं सेल कर देंगे। तो बाय और सेल मतलब इस तरीका से इसमें पैसा बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में हम कैसे पैसा बनाएंगे। तो ये देखिए मार्केट कैसे जाएगा डाउन ट्रेंड में, पहले लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, कुछ इस तरीका से मार्केट मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, लो हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाई हो गया, और ये अब क्या हो गया, ये लो हुआ और ये हाई हुआ, तो ये लोअर हाई हुआ। ये देखिए ये लोअर हाई हुआ और ये क्या हुआ, ये लो हुआ और ये भी लो हुआ, तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। तो मार्केट कुछ इस तरीका से डाउन ट्रेंड में जाता है। तो यहाँ से हम ये जो क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से हम फिर से एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीका से, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे हम अपना एग्जिट कर देंगे, प्रॉफिट की बुकिंग कर लेंगे। अब देखिए, अब मार्केट तीसरे तरीका जो साइडवेज तरीका है, मार्केट साइडवेज तरीका से अब मूव करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीका से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीका से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे, और यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट साइडवेज है और इसी के बीच मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर क्या लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, यानी एग्जिट, हम यहाँ पे बाय किए हैं तो यहाँ पे एग्जिट सेल करेंगे, और हम यहाँ से फिर से सेल करेंगे तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे, और हम फिर यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये तरीका हुआ। तो आपको बता दें दोस्तों कि तीनों मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है अगर आपके पास टूल्स यूज करने का नॉलेज है। तो अब हम आपको बताते हैं कि टूल्स को यूज कैसे करना है। तो आप बात करते हैं प्राइज एक्शन की, प्राइज एक्शन से ट्रेड कैसे करें, सिर्फ सिंपल सा चार्ट मिल गया मुझे तो कैसे ट्रेड करें। तो देखिए अब हम आते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, और फिर से हम आपको बनाकर दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया प्राइस, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया और यहाँ रिजेक्शन लिया, ये क्या हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और नीचे देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस, यहाँ सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें तो मार्केट, देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ भी रिजेक्शन लिया, और हम नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, तो ये देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। अब हम इसमें बाय कहाँ करना है, तो देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, मतलब मार्केट इसी के बीच मूव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि लोअर लेवल पर, मतलब जहाँ मार्केट सपोर्ट ले वहाँ पे हम लोग को बाय करना है। तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे इसका टारगेट हम लोग रखेंगे इसका। अब हमें क्या करना है, अगर ऊपर जाए तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन को सेल कर, यहाँ पे पुट खरीदेंगे, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पे आपको पुट खरीदना है, और अगर आप एक स्टॉक्स को सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स को सेल कर देना है, और हमें यहाँ तक का सिंपली टारगेट रखना है। ये देखिए टारगेट हमारा हिट हुआ और फिर यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाय करेंगे, और हमारा यहाँ तक का टारगेट होगा, हमारा टारगेट हिट हुआ। तो देखिए अब हम समझते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे लो हुआ, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो आया, फिर हाई बनाया, मतलब यहाँ पे हायर हाई और लोअर लो, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड है, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू में, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सपोर्ट लिया यानी यहाँ पे बाय करना है। अब हमें यहाँ तक का टारगेट रखना है, और अब हम फिर से यहाँ पे आया तो क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है, और हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा, इसके ऊपर होगा, क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है, मतलब इसके ऊपर हाई बनाएगा, तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड में कैसे पैसा बनाए। तो अब हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में पैसा कैसे बनाए। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे लो लेवल के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आएगा यानी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, तो हमें यहाँ पे पुट को बाय करना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो, अगर आप स्टॉक्स को, तो यहाँ पे सेल कर देना है। तो यहाँ पे जब इसके नीचे आएगा, मतलब कि लोअर लो, मतलब लो बनाएगा, तो हम यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। और जब फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, तो हम फिर से यहाँ पे सेलिंग में जा सकते हैं, और फिर हमारा टारगेट देखिए इतना बड़ा हुआ। फिर से हम ऊपर गया, फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास रिजेक्शन लिया, तो हम फिर से यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।